हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि री एग्ज़ाम होने वाला है। यहां पर दो चीज़ें चल रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि 21 अगस्त से 4 सितंबर का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। सिटी अलॉटमेंट का वेट किया जा रहा है, नोटिफिकेशन का वेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ही सुप्रीम कोर्ट पर फिर से याचिका दायर की गई है और वहाँ पर भी जो री एग्ज़ाम है उसको स्टे करने की बात करी जा रही है, यानी री एग्ज़ाम को रोकने की बात की जा रही है कि डायरेक्टली री एग्ज़ाम ना करा के जो आपका रिजल्ट है, जो आंसर की है जून की, वो जारी कर दी जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे जो केस नंबर मिला है वो है 16 नंबर, यानी कि यहाँ पर 16वें नंबर पर जो UGC नेट का री एग्ज़ाम पे स्टे वाली बात है या रिजल्ट और आंसर की को रिलीज़ करने वाली बात है, उस पर जो हेयरिंग होने वाली है वो 16वें नंबर पे होने वाली है। यानी आज कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि NTA की तरफ से री एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ये या फिर जो याचिका दायर की गई है इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में सारी कार्रवाई है। वो चाहे तो यहाँ पर स्टे लगा सकता है, और ऐसे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग अगर होगी तो वो होगी NTA पर, और दूसरी होगी CBI पे, क्योंकि CBI की जाँच भी पूरी नहीं हुई थी और उसके बाद भी री एग्ज़ाम की एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दी गई थी। तो ऐसे में फाइनल डिसीजन आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का, या तो रिजल्ट पे या फिर री एग्जाम पे। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है, सिटी अलॉटमेंट आना है, तो ऐसे में 21 अगस्त से 4 सितंबर जो आपका री एग्जाम होना है, या तो ये री एग्जाम होगा और या फिर डायरेक्टली आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका पर सुनवाई होनी है। तो काफी लोगों की नजर इसी पर ही है, क्योंकि फाइनल डिसीजन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही है। अगर उसको प्रॉपर एविडेंस मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपका री एग्ज़ाम, जैसा कि अगर मान लीजिए पेपर लीक हुआ है तो री एग्ज़ाम होगा, अदरवाइज डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, ये री एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे में अभी तक NTA ने भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है सिटी अलॉटमेंट वाली, तो देखने वाली बात यही है कि NTA भी कहीं ना कहीं वेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के नतीजे का। तो इस वजह से यहाँ पर अभी तक सिटी अलॉटमेंट नहीं आया है। यहाँ पर या तो क्वेश्चन पेपर और रिजल्ट आंसर की ये जारी कर दिया जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने री एग्ज़ाम पर स्टे लगाया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, या फिर आपके जो एडमिट कार्ड है या सिटी अलॉटमेंट है उसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, री एग्जाम होगा या आपका डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और यहां पर आज ही इस चीज का फैसला होना है, क्योंकि हियरिंग की डेट दी गई है आज 16वें नंबर पे जो है इस केस की सुनवाई होनी है। बाकी की अपडेट के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।